बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। तो स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिफिनेशन हम करते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, यानी एक मुरबी में कलम हो उसका ऑर्डर जिस तरह भी हो उसको इज अ सेट टू बी आइडेंटिटी। उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं इफ़ ऑल एलिमेंट्स लाई ऑन द डायगोनल आर वन, कि अगर इसके मेन डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स हो वो वन के बराबर हो एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर ज़ीरो, और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हो वो ज़ीरो के बराबर हो। मिसाल के तौर पर एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए इसके एलिमेंट्स हैं, एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट हैं वन वन ज़ीरो एंड ज़ीरो। अब अगर हम इसके मेन डायगोनल को हम चेक कर ले तो इसमें सारे एलिमेंट्स वन के बराबर हैं और अदर एलिमेंट दे के ये ज़ीरो के बराबर है, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। अच्छा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं आई को। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू बाई टू हो, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसमें जो टू बाई टू हो, तो उसको हम आई टू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर एक दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर थ्री बाय थ्री हो, यानी एक आई थ्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर थ्री बाय थ्री है, तो इसको हम लिखते हैं इस फॉर्म में, यानी इसके ऑल अदर एलिमेंट्स ज़ीरो के बराबर होंगे और मेन डायगोनल में वन होगा। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके जिसका ऑर्डर थ्री बाय थ्री है, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी इसका मेन डायगोनल हमेशा वन होगा, वन के अलावा दूसरे रियल नंबर नहीं आ सकते, या मेन डायगोनल पे ज़रूरी है कि यहाँ पर एलिमेंट वन हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।